व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ओजेस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो कैसे रोल होगा। सबसे पहले आपको एक हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है एंड सम सॉल्व होने के बाद आपको और एक हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। तो अभी ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करते हम लोग और डायरेक्टली हमारा सम सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे ग्रे लेवल है, देन नंबर ऑफ पिक्सल है, ये जो है ये आपको एज अ क्वेश्चन दिया गया होगा एंड इस पे आपको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड अगर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है आपको ये सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज एल माइनस वन क्यूमुलेटिव, देन मॉडिफाइड ग्रे लेवल। ओके, ये कैसे, इसका सारा वैल्यूज कैसे आता है इसका टेंशन मत लो, आपको मैं बता दूंगा। ओके, तो अभी जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में एक हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है, तो जो हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है वो इसको मध्य नजर रखते हुए बनाना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बिकॉज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। देन जीरो के लिए देर इज 790, सो जीरो के लिए देर वुड बी 790। देन वन के लिए इट इज 1023, वन के लिए इट इज 1023। देन हम ऐसे लाइन मार देते हैं एक, देन टू के लिए दैट इज 850, टू के लिए दैट इज 850, देन थ्री के लिए 655, थ्री के लिए 656, एंड फोर के लिए इट इज 329, फोर के लिए इट इज 329, फाइव के लिए इट इज 245, फाइव के लिए इट इज 245, देन सिक्स के लिए इट इज 122, सिक्स के लिए इट इज 122, एंड सेवन के लिए इट इज 81, राइट। तो इसका हिस्टोग्राम बन गया। अभी हम ये सारे वैल्यूज निकालते हैं। तो अभी इसके लिए सबसे पहले हमें समेशन ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स निकालना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स अगर आपको निकालना है तो आपको इन सब का एडिशन करना पड़ेगा, एंड अगर आप इन सब का एडिशन करते हो तो आपको मिलेगा 4096। अब प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी पे हम आते हैं। तो जब आप 790 डिवाइडेड बाय 4096 करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 790 डिवाइडेड बाय 4096 करोगे तो आपको मिलता है 0.192। ओके, आपको मिलता है 0.192। देन अगर आप 1023 को 4096 से डिवाइड करते हो आपको मिलता है 0.249। ऐसे आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको क्या करना है, बस ये नंबर डिवाइडेड बाय ये नंबर करना है, आप कैलसी में कर सकते हो, देन आपको आंसर मिलेगा। अब ये कॉलम हो गया। अब इसी के बलबूते पे आपको ये कॉलम बनाना है, मतलब लाइक एक कॉलम के बाद एक कॉलम आता है और जो अगला कॉलम है वो पिछले कॉलम के दम पे जंप करता है। ओके, पिछले कॉलम के दम पे उड़ता है, ठीक है। तो अभी अगला कॉलम करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें आपको जो पहला वाला वैल्यू है वो सेम छाप लो, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे सेम छाप लो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप अगले वैल्यू में, आपको ये प्लस ये करना है और जो आंसर मिलेगा आपको नीचे लिखना है, ठीक है। सो 0.249 प्लस 0.192 दैट इज 0.441, सो 0.441। अब इधर क्या लिखोगे, ये प्लस ए, सो 0.2075 प्लस 0.441 दैट इज 0.648, राइट। देन इसका एडिशन और देन इसका एडिशन और इसका एडिशन, देन इसका, देन ये प्लस ये और इधर लिखोगे आप। ओके, सो 0.1601 प्लस 0.648 दैट इज 0.808, देन 0.080 प्लस 0.808 दैट इज 0.888। ओके, ऐसे आपको पूरा करना है। अब ये हो गया, अब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज एल माइनस वन इंटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितने नंबर्स है वो, यहाँ पे कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ नंबर्स है। मतलब लाइक लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे सेवन लिखा है तो वो भी सेवन लिख देते हैं, बट ऐसे नहीं, यहाँ पे जीरो भी काउंट करना है, तो इसलिए 2 8 नंबर्स। सो एल का वैल्यू क्या है, एल इज 8। ओके, सो एट माइनस वन दैट इज 7, और 7 इंटू क्यूमुलेटिव मतलब 7 इंटू 0.192। सो अगर 7 इंटू 0.192 अगर आपने किया तो आपको मिलेगा 1.344,
अब आपको 7 × 0.441 करना पड़ेगा, 3.087 और यहाँ पे 4.557, ये कैसे आया, 7 × 0.648, देन 7 × 0.808, दैट इज 5.677। अब ऐसे ही आपको मतलब हर एक नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से मल्टीप्लाई करना क्यों पड़ेगा, मतलब 7 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर्स हैं, यानी कि L का मतलब 8 होता है और 8 - 1 दैट इज 7। तो यहाँ पे आगे सब नंबर्स। अब हम करेंगे मॉडिफाइड ग्रे लेवल। सो मॉडिफाइड ग्रे लेवल में क्या करते हैं, मॉडिफाइड ग्रे लेवल में इन सारे नंबर्स को लाइक राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6, देन 7, 7 एंड 7। अभी थोड़ा ध्यान देना क्योंकि हम यहाँ पे हमारा हिस्टोग्राम बनाने वाला है। ये हो गया। अब यहाँ पे 1, 3, 5, 6, 7 आपको लिखना है। सो दैट इज 1, 3, 5, 6 एंड 7, ओके। अब 1 को कौन सा वैल्यू करस्पॉन्ड करता है, 1 को करस्पॉन्ड करता है 790, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 790। देन 3 को कौन सा वैल्यू करस्पॉन्ड कर रहा है, 3 को करस्पॉन्ड कर रहा है 1023, सो हियर वुड बी 1023। देन 5 को कौन सा वैल्यू करस्पॉन्ड कर रहा है, 5 को करस्पॉन्ड कर रहा है 850, सो हियर वुड बी 850। देन 6 और 6 है, अभी ये डबल 6 है, तो इनको क्या करस्पॉन्ड करेगा, 656 और 329। सो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का एडिशन होगा, तो 656 प्लस 329 कितना होता है, 985। सो यहाँ पे इट वुड बी 985। अब यहाँ पे 7 आ जाता है, तो 7 को कौन से तीन वैल्यूज करस्पॉन्ड कर रहे हैं, 3 वैल्यूज करस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसीलिए इन तीनों वैल्यूज का एडिशन होगा यहाँ पे। सो इन तीनों वैल्यूज का एडिशन करते हैं हम लोग, इट वुड बी 448, ओके। सो यहाँ पे 448, ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। अब यहाँ पे आपको लाइक लाइन ड्रॉ कर देनी है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मैंने और मेरे टीम ने मिलकर बहुत ही मेहनत करके आपके लिए बनाए हैं नोट्स। नोट्स में हमने क्या किया है, हमने यूनिवर्सिटी ने जो बुक रिकमेंड की है इस सब्जेक्ट के लिए, उस बुक से आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर, राइट, ताकि आपको ढूंढने में भी आसानी जाएगी और लर्न करने में उससे भी ज़्यादा आसानी जाएगी, क्योंकि हमने एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, लाइक आई मीन इंग्लिश में लिखा है बट एकदम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा है। अब इसका फायदा यह है कि जब आप नोट्स में से आंसर लिखोगे एग्जाम पेपर में और जब टीचर आपके आंसर्स पढ़ेंगे तो टीचर को रियलाइज होगा कि आपने यूनिवर्सिटी ने जो बुक रिकमेंड किया है उस बुक में से आंसर लिखा है, और इसीलिए टीचर आपको उस आंसर में जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मार्क्स देगी, राइट। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक सम किया, वैसे नोट्स में हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स कवर किए हर एक टॉपिक के ऊपर, राइट, मतलब इस सब्जेक्ट में जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है जिनके ऊपर सम्स आते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियोज तो बनाई है बट अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने नोट्स में कवर किया है। इससे क्या होगा, इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप सम्स रॉन्ग नहीं कर सकोगे और इसकी वजह से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया वैसे मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया एंड उन सारे वीडियोज़ को कंबाइन करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाके सारे वीडियोज़ बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही देख सकते हो। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मेरा एक दूसरा चैनल जिसका नाम है प्लैनेट ओजस, प्लैनेट ओजस पे आई मेक व्लॉग्स, आई मेक मोटिवेशनल वीडियोस, तो आप मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है प्लैनेट ओजस को चेकआउट करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को दे दो एक थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी ऐसे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।